अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका प्री-3 का रिज़ल्ट आ चुका है, आप अव्वल जमात में प्रमोट हो गए हैं। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। आज मैं आपको उर्दू की किताबें दिखाती हूँ, फिर हम अपना दर्स शुरू करेंगे। जी बेटा, ये आपकी उर्दू की किताब है। कितनी प्यारी किताब है ये। इसका नाम है आफाक सन सीरीज़ उर्दू की किताब। अब उर्दू की किताब के साथ आपकी एक अमली किताब भी है। ये आपकी उर्दू की अमली किताब है, मतलब ये आपकी उर्दू बे की किताब है। इसमें आप मज़मून करेंगे, वाहिद जमा और ग्रामर का काम होगा इसमें। इन दो किताबों के साथ ये आपकी उर्दू की कॉपी है, जिस पे आप प्यारा सा करके अपना नाम लिखेंगे, अपनी जमात लिखेंगे और मज़मून का नाम लिखेंगे। ठीक है, एक और काम जो आपने करना है, आपने यहाँ पर हाशिए लगा लेने हैं। साड़ी जो आपकी कॉपी है, इस पे आपने हाशिए लगाने हैं और नीचे आपने इसके नंबर भी लिख लेने हैं। जी बेटा जी, ये मैंने हाशिया लगा लिया है और इसके नीचे मैंने बिल्कुल कोने पर नंबर 1 भी लिख लिया है। अब आपने इसी तरह साड़ी कॉपी के सफ़ात पर नंबरिंग कर लेनी है और हाशिए लगा लेने हैं। अब आपने अपनी कॉपी को साफ़ सुथरा रखना है, इस पर खूबसूरत लिखाई से काम करना है। ये जो आपकी उर्दू की किताब है, सबसे पहले तो आप अपनी किताब पर नाम लिख लेंगे। जैसे उर्दू की किताब पे नाम लिखेंगे, इसी तरह आप उर्दू की अमली किताब पे भी नाम लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अपनी किताबें पसंद आई होंगी। अब हमने इसकी पढ़ाई करनी है। ये वाली जो आपकी किताब है, ये बहुत आसान है। प्री-3 में भी आपने उर्दू पढ़ी है, तो ये भी अब अव्वल जमात की उर्दू है और ये भी बहुत आसान है। आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा, इसकी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। जैसे जैसे मैं आपको दर्स दूंगी, आपने रोज़ का काम रोज़ याद करना है। आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा और लिखने में भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर हम अपना आज का दर्स शुरू करते हैं। जी बेटा, ये आपकी उर्दू की किताब का सबक नंबर 1 है, जो हम्द है। हम इसे तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम्द कैसे कहते किसे हैं। मैं आपको बताती हूँ, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। आपको पता है ना, अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज़ पैदा की है, पहाड़, समुंदर, दरिया, फल फूल, जितनी भी चीज़ें दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, हैवान, नबातात, पौधे, जो भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। इन नेमतों पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अब हम्द में हम इन सब नेमतों के बारे में पढ़ेंगे, यानी अल्लाह ताला की कुदरत की तारीफ करेंगे कि अल्लाह ताला ने दुनिया में ये चीज़ें बनाई हैं। चलें बेटा जी, अब हम हम्द को तरन्नुम से पढ़ना शुरू करते हैं। अब आपने मेरे साथ पढ़ना है। मेरे मौला मेरे दाता, हर एक का है तुझसे नाता, सारी दुनिया तूने बनाई, फूलों और फलों से सजाई, जंगल और पहाड़ बनाए, बागों में फल फूल लगाए, तूने ही इंसान बनाए, तूने ही हैवान बनाए, इल्म सिखाने वाला तू है, अक्ल पढ़ाने वाला तू है, हमको सीधी राह दिखा दे, नेक बना दे, एक बना दे, मेरे मौला मेरे दाता, सब है तेरे, तू है सबका। नज़म की हमने नज़म को हमने तरन्नुम से पढ़ लिया है। अब इसके नीचे लिखा है, आए मजीद जाने,
ये वही है जो मैंने आपको बताया ना कि हम्द किसे कहते हैं, इसी को बताया गया है। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। अब आपने नज़म को तरन्नुम से पढ़ा है, आपको समझ आ गई होगी। मैं थोड़े से इसके बारे में सवालात कर लेती हूँ। कौन बच्चा मुझे इसके जवाब देगा? सब बच्चे जवाब देंगे। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे पूछती हूँ, हम्द किसे कहते हैं? जी हाँ, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। वेरी गुड। दुनिया को बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। अब हमने इसका पूरा जवाब देना है। दुनिया को बनाने वाला अल्लाह ताला है। वेरी गुड। अल्लाह ताला ने दुनिया किन चीज़ों से सजाई? अब ये बच्चा कौन सा बताएगा मुझे? जी, अल्लाह ताला ने दुनिया फूलों और फलों से सजाई है। वेरी गुड। अल्लाह ताला ने इंसान को किन नेमतों से नवाजा है? जी हाँ, अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म और अक्ल से नवाजा है। जी बेटा, हमने हम्द की तरन्नुम के हमने हम्द को तरन्नुम के साथ पढ़ लिया है। अब आपने क्या काम करना है, इसको एक दफ़ा फिर दोहराना है। कुछ बच्चे तो नज़म को ज़ुबानी भी याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब उर्दू की किताब का काम हमने कर लिया है, अब आप लोग उर्दू की अमली किताब निकाल लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप सबसे पहले नाम लिख लेंगे। अब हम इसका सफ़ा नंबर 5 करेंगे। तो सबसे पहले आपने बेटा क्या काम करना है, आपने यहाँ पे लाइन लगा लेनी है, यहाँ पर जमात का काम लिखना है और यहाँ पर तारीख लिखनी है। मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। जी, सबसे पहले आप जमात का काम और तारीख लिख लेंगे। अब हम काम शुरू करते हैं। हरूफ तहजी की मुकम्मल इशकाल के सामने आदि इशकाल लिखें। ये काम आप पहले कर चुके हैं। यहाँ पर मुकम्मल इशकाल है, इसके आगे आपने आदि इशकाल लिखनी है। ठीक है, बे की आदि शक्ल ऐसे ब। ठीक है बेटा, अब आपने ब से लेकर ये ख तक इसकी आदि शक्ल लिख लेनी है। ये सब बच्चों को लिखना आता है। ठीक है, सिर्फ आपने इसका ये आधा हिस्सा करना है, बाकी का काम हम अगले दर्स में करेंगे। आपने सिर्फ इतना इसको लिखना है। आपने काम खूबसूरत लिखाई से करना है। आपका काम स्कूल में चेकिंग के लिए आएगा, फिर आपको जिसका काम अच्छा होगा उसे स्टार भी मिलेगा। आपको आज का दर्स समझ आ गया होगा। अब आपने अपना काम करना है, फिर मैं अगले दर्स के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।